क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार के रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले कलाकार ईश्वर शरण। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। देखो, रहने वाला तो मैं बिजनौर का हूँ और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर भी हो गए 6-7 महीने, और उससे पहले 2 साल पहले मैं यूट्यूब पे एक सॉन्ग बनाया था लैला वर्गी, काफी चला और बस बना रहे हैं वीडियो अभी जो चल रही है। तो आप बिजनौर में कहाँ से बेसिकली किस जगह पे रहते हैं? मैं ऐसा बताऊंगा तो सारे पहुंच जाएंगे वहाँ। अरे नहीं नहीं, मतलब आप किसी गांव में रहते हैं या मेन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है ना? गांव में रहता हूँ, मलकपुर देहरी गांव है। अच्छा, तो जैसे सर और भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी जगह है, मतलब बहुत सारे काम है ऐसे, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, तो आपने एक सोशल मीडिया पर ही आप क्यों इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह, ये कॉमेडी एक्टिंग कैसे आपको आया कि आपको ये समझ लो जी, जैसे अभिमन्यु ने पेट में ही सीख ली थी ना थोड़ी बहुत लड़ाई करना, इस हिसाब से मैं थोड़ी बहुत बेसिक एक्टिंग तो पेट में ही सीख गया था, क्योंकि पैदा होने के 1 साल बाद ही जब से खाना शुरू करा एक्टिंग ही दिमाग में चलती रहती थी। और हमारे धाकड़ छोरा साहब जो देहाती वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो देख देख कर तो बस फिर तो सोचा ही नहीं, मगर बस बनना कुछ। जी बहुत अच्छी बात है। जो समझ लो अगर शूटिंग चल रही ना तो 24 घंटे में मैं पता ही नहीं चलने का रोटी कब खानी, अगर कोई ध्यान दिलवा दे तो तब तो। जी अच्छी बात है। तो जैसे आप एक एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, तो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो किसी को अपना आइडल मानते हैं, किसको आप आइडल मानते हैं, किसको देख के आपने करना सीखा एक्टिंग या फिर कॉमेडी? मैं फैन हूँ जी सनी देओल का। ओ उनके बहुत सारे डायलॉग मुझे याद है, और भाई इतनी ताकत तो ना लगा सकते जितनी वो लगा दें, बाकी हाँ 13-12-13 तक पहुंच जाऊं, 19-20 तो ना पहुंचते हैं। कुछ भी डायलॉग अगर आप सनी देओल का हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। हाँ, उनका एक डायलॉग है इंडियन फिल्म का तो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बोलता हूँ मैं, हम हाथ मिलाना भी जानते हैं हाथ उखाड़ना भी, हम गांधी जी को भी पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद को भी, मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ फिर हथियार से, तुझे किस तरह समझना है फैसला कर ले, ये डायलॉग है। जी बहुत अच्छा लगा आपका डायलॉग सुन के। तो सर जैसे फैमिली मेंबर्स में होते हैं, ज्यादातर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, आपकी फैमिली कैसी है? मेरी फैमिली जी सपोर्ट कर रही थी पढ़ाई को, जो मेरे दिमाग में आज तक घुसी नहीं, और अगर हमें हेटोर जाना तो किरतपुर वाली बस में बैठने से कोई फायदा नहीं, उनसे नाराज भी हुई, नाराजगी भी हुई बहुत बार, और 2-3 दिन मंदिर पर भी सोया मैं। अब यो हालत देख घर वाले सोचने लगे थे कि जाना पागल हो गया क्या, अब घर के बाहर खड़े होकर जब कहेंगे ओ पागल तो गांव वालों को तो फिर समझा ही नहीं सकते, वो तो पागल कहेंगे। लेकिन आज भगवान ने परमात्मा ने इतनी कृपा कर दी कि जो पागल कहे होते वही ईश्वर भाई कह रहा है, तो ये तो उगते सूरज को सलाम करे कर रहा था। और सपोर्ट की बात रही तो एक्टिंग लाइन में जी देखो मेरे घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता कि कैमरे के सामने मैं तारीफ कर दूं कि मुझे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे माँ बाप, बहुत ये पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं बस, जो मुझे अपनी नहीं है, ITI की है 5 साल में हुई, बैक आउट जा रही थी बार बार पेपरों में, 5 साल में करी ITI, मार्कशीट भी अभी वहीं पड़ी। ये तो पहले के टाइम में लोग सोशल मीडिया को जानते भी इतना नहीं थे, अब तो लोग बहुत जान गए हैं। हाँ, हमारे पापा की 70 साल उम्र है तो उन्हें तो पता ही ना। जी अब के टाइम में आके ऐसा हो गया है। तो आपने अभी तक कौन कौन सी शॉर्ट फिल्म में काम किया है और आगे के प्रोजेक्ट आपके क्या रहे? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है एक्टर ईश्वर शरण नाम से, तो उसपे एक बार मैंने झंझट मूवी बनाई थी, उसके बाद एक लैला वर्गी सॉन्ग बनाया जो मैंने खुद लिखा था, एक लौंडे जिला बिजनौर के एक ये सॉन्ग बनाया था, और अभी एक मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है प्रेम कथा, तो जिसका एक पार्ट आ गया है और दूसरे पार्ट की शूटिंग चल रही है। तो सर आपने उसकी शूटिंग डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ही कहीं पे की कि बाहर जाके भी की है? बाहर तो कोटद्वार गए थे एक बार, लेकिन अब जो शूटिंग गाँव में ही चल रही है क्योंकि देहाती स्टोरी है तो गाँव का ही चलना।
और तो फिर आपके जैसे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, बाहर जाने की प्लानिंग है या फिर ये यहीं पे रह के आप बस यो समझ लो वहां जाना जहाँ टाइगर श्रॉफ वरुण धवन खड़े होकर फोटो खिंचवाओ ना और आंखों पर चमक सी लगती रहे कैमरों की, सपना यो हो इतनी मेहनत करनी, जब तक कफन में नहीं पहुंचने का एक्टिंग नहीं छोड़ने का। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद देवी जी। सर जैसे कि आप एक्टर कॉमेडियन है, एक्टिंग तो हमने आपकी देखी ली, अब हम चाहेंगे आप एक कोई कॉमेडी आप करते हैं तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, उनको दिखाना चाहे। मैम काफी सारी वीडियो है मेरी जो सब लोगों ने पसंद की है, लेकिन मेरी दो चार वीडियो फेवरेट है, उनमें से एक मैं आपको बता दूं कि डायलॉग था एक कि मैं फोन करता हूं अपनी माँ को कि माँ जो इतवार में आए थे रिश्ते वाले, बोल के बताता हूँ फिर। हेलो, हाँ माँ, राम राम। हाँ मैंने कह रहा था मगर जो इतवार में आए थे क्या कह गए? हाँ बेटा किसी ने भांजी मारी, यो समझ लो यो कह दिया कि शाम होते ही गोड्डी ढाका पीवो। येरी माँ तू टेंशन मन ना ले बो, यो समझ ले इनका नाश होगा, इनके लौंडे मरेंगे, इनके जन्म मत कभी आने की ना बो, हर कर्मों का फल मिलेगा, टेंशन मत ना ले बो, यो समझ ले कैटरीना जैसी लाऊंगा। तो ठीक है मैं काम कर दिया, ये डायलॉग ऐसे ऐसे। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए अपना। झूठ तो ना बोल रहे तुम, अच्छा लगा डायलॉग? नहीं नहीं सर सीरियसली बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और एक एक बहुत तकड़ा वायरल हुआ था, सुना दूं कि था कि गुसा इतना तकड़ा के मार दे या मर जा, अब काम करेगा छोटा, चापत्ती लागा छोटा, दूध लागा छोटा, एक तक की जंगल सा गड्डी ठाक लागा छोटा, और रिश्ते वाले आ जा तो बड़ा बड़े वाले को कह दे कि इसका होगा पहले। मैं ना जीने का भैया इस हिसाब से मेरा ब्याह करवाओ मैं। नहीं सीरियसली बहुत अच्छा आपने कॉमेडी करते हैं आप, और हमारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए आपके साथ है। धन्यवाद देवी, ये समझ लो आपसे आशीर्वाद मिल गया, नहीं आ पा रहा। तो आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के और सभी युवाओं को अपने उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा भैया, हाथ जोड़कर बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करते हो, मैं बता दूं मैम आज तक मेरे पास कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जो मेरे दिल पर ठेस पहुंचा हुआ, सब बोलते हैं कि ईश्वर भाई आप बहुत आगे जाओगे बहुत आगे जाओगे, तो मोटिवेट होता हूं इन कमेंट पढ़ के, क्योंकि मुझे पता है आजकल सोशल मीडिया पे लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और हम भी दुखी होते थे कि यार इन पे कुछ आता है नहीं है, कुछ ऐसी एक बोल बोल दिया उससे वायरल हो रहे हैं, हमारा दिल दुखता था कि यार जो 10-10 साल से एक्टिंग सीख रहे हैं डांस सीख रहे हैं उनके पैर टूट गए डांस सीखते सीखते, उनका कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जब 6 महीने बाद उनकी मझधार में नैया डूबती है ना, तो अब हमें पता लग गया कि ये 6-6 महीने के हैं, इन्हें नींबू की तरह लोग निचोड़ेंगे, अपना प्रमोशन करवाएंगे उसके बाद ये चले जाएं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, 2-4 ऐसे आदमी है जो एक लफ्ज बोलते हैं बस, उसके बाद उनका तो भीड़ लग रही है उनके पास, लेकिन उन्होंने बहम है कि हमारे अंदर एक्टिंग है, उनके पागलपन को देख रहा है, उन पर लोग हंस रहे हैं, और उनसे मैं बता दूं कि कोई ढंग का काम कर लो, अगर एक्टिंग नहीं आती तो कोई और काम कर लो, अन्य तो तुम्हारा तमाशा बन कर रहेगा, जो भी काम करो अपनी इच्छा अनुसार करो। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद देवी जी। तो ये थे हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने वाले ईश्वर शरण, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।